गुड आफ्टरनून गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। भगवान विष्णु की कृपा सब पर बनी रहे। आज है मेरा फास्ट निर्जला एकादशी का, और मैंने व्रत जो रखा है ये 24 घंटे का है। आज से शुरू है और कल ख़त्म होगा। कल मैं पानी पीऊँगी 5 बजे के बाद, 5 और 8 के बीच में, सुबह के टाइम में। तो आज मैंने क्या किया है, सुबह पूजा पाठ की। पूजा पाठ करने के बाद काफ़ी थोड़ा सा टाइम लगा, कथा पढ़ी। और इसे कथा बहुत बड़ी कथा नहीं है, छोटी सी ही कथा है। तो मैं शॉर्टकट में आपको बताती हूँ कि ये बात है महाभारत के समय की। जब हमारे महाभारत में पांडव हुआ करते थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, तो इनमें से जो भीमसेन थे वो खाने के काफ़ी शौकीन थे। तो उन्हें उनकी माता और उनके भाई लोग हमेशा कहते थे कि आप एकादशी का व्रत रहो और काफ़ी फलित होता है। तो भीम ने एक बार व्यास जी से बोला कि उस युग में लोग जो दादाजी होते थे उनको पितामह कहते थे, तो व्यास जी तो उनके पितामह ही थे ना। तो उन्होंने कहा कि व्यास जी से कहा, पितामह, माता जी और भाई लोग सारे कह रहे हैं मुझे एकादशी व्रत रहने को, और आपको पता है कि मैं खाने के बिना नहीं रह सकता। व्रत तो बहुत दूर की बात है, मैं एक टाइम भी बिना खाने के नहीं रह सकता हूँ। अरे भीमसेन तो भाई खाने के शौकीन। तो फिर पितामह ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन यह है कि इसको करोगे तो इससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, सुख शांति समृद्धि बढ़ती है। तो भीमसेन ने कहा कि नहीं पितामह, आप हमें कोई इसका दूसरा उपाय बताइए कि जिससे, हाँ ये मैं कर सकता हूँ पितामह, कि साल भर में कोई एक ऐसा दिन बता दीजिए कि मैं एक दिन तो रह लूँगा किसी तरह से। व्यास जी ने उन्हें बताया कि भगवान ने लिख दिया है कि पूरे साल में हमारे जो हर महीने 2 एकादशी पड़ती हैं वो ना भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, निर्जला एकादशी जिसे कहते हैं, जिसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं, उसको कर लेते हैं तो सारी एकादशी का फल एक साथ मिलता है। तो बस तब से भीम ने उस व्रत को करना शुरू कर दिया था कि साल की कोई एकादशी नहीं रहते थे, लेकिन वो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की ये एकादशी जो कि आज है, इसे करना शुरू कर दिया था। तब इसीलिए तब से ही इस निर्जलीय एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। तो बस शॉर्टकट में मैंने छोटी सी स्टोरी आपको बता दी, आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। चलिए चलते हैं मंदिर में, मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैंने पूजा की, उसके बाद मैं वहाँ पर क्या करके आई हूँ। तो चलिए चलते हैं मंदिर में। हम आ गए मंदिर में, तो ये देखिए आज मैंने पूजा की थी विष्णु भगवान की, और लड्डू गोपाल की भी की थी। सारे भोगों को लगा दिए थे, इनका भोग मैंने टिफ़िन में, इनके लिए मैंने एक टिफ़िन बनाई है, इनका भोग मैं इसी में बंद कर देती हूँ जिससे चींटियाँ वगैरह ना लगे और गर्मियाँ आ गई हैं, छिपकली का भी डर होता है। तो बस ये देखिए मैंने, देखिए मैंने यहाँ पर एक खरबूजा चढ़ाया हुआ है भगवान विष्णु को, और इसे मुझे देना है पंडित को दान में, दक्षिणा में। और ऊपर दिखाते हैं, विधि मम्मी ने बताई थी। तो मम्मी ने कहा था कि मिट्टी का कलश होगा, तो उस कलश में पानी भर के रेड कपड़े ढककर उसके ऊपर एक कटोरी चीनी रखनी थी मुझे, तो सो मैंने रख दी, लेकिन मिट्टी का कलश मुझे नहीं मिला। तो क्या करना है, मैंने तांबे के कलश में रख दिया है, तो बस इसी को रख दिया। शाम को मैं इसे पंडित को बुलाकर दे दूँगी, और इसके ऊपर 11-21 जितने भी आपकी श्रद्धा हो आप इसके ऊपर दक्षिणा रख के इसे हम पूरा जल उनको दे देंगे, या तो चिड़िया पक्षी को भी दे सकते हैं, लेकिन पंडित मिल जाएंगे तो पंडित जी को ही दे देंगे, बाकी पक्षियों को भी पिला सकते हैं पानी। मेरे यहाँ वैसे भी चिड़िया आती हैं, चावल देते हैं हम, पानी भी रखा रहता है घड़े में। तो बस यही सब है, आज के दिन यही करना चाहिए हमें, एक कल मिट्टी का कलश पानी भर के उसके ऊपर शक्कर रख के और लाल कपड़े से ढककर हमें दक्षिणा के साथ पंडित को दान भी देना चाहिए, साथ में खीरा या खरबूजा। तो मेरे पास खरबूजा था, मैंने खरबूजा चढ़ा दिया और यही उठाकर मैं दे दूँगी पंडित जी को। देखा आपने मंदिर में, मैंने पूजा की थी सुबह ही, और सुबह के बाद फिर ज़्यादा, आज ज़्यादा काम तो नहीं था, लेकिन फिर भी काम थोड़ा ही काम हो जाता है। अम्मा के लिए खाना बनाया, बच्चों के लिए बनाया, और एक चीज़ और, आज है ज्येष्ठ मास का मंगलवार, लास्ट मंगलवार है, तो आज मैंने रोट चढ़ाया था, वो तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था कि मैंने रोट चढ़ाया, तो उसने गुनी ने वही रोट ही खाया है, तो उसको लग रहा है कि मैं व्रत हूँ, लेकिन व्रत नहीं है उसका। तो बस यही पर, बस ऐसे सब है, आज का दिन ऐसे बीत गया है, आधा दिन मेरा बीत गया है, अभी प्यास तो नहीं लगी है, अभी फील भी नहीं हुआ कि मैं व्रत हूँ, मैंने सुबह से पानी नहीं पिया है। बस भगवान की शक्ति है, भगवान की शक्ति ऐसे मुझ पर बनी रहे और मैं सुबह तक ऐसे ही अच्छे से इसे निभा पाऊँ। तो मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। भगवान श्री विष्णु सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। Mm-hmm.
सो गाइस यहाँ पे शाम हो गई, आप देख सकते हैं मंदिर में दिया बाती सब मैंने कर लिया है और सारा दिन तो बीत गया है भगवान की दया से, सारा दिन अच्छे से बीता मेरे व्रत का। अब बस रात और बची है और सुबह करना है मुझे पारण और सुबह जाके मैं पीऊँगी पानी। तो अभी तो फिलहाल दिन भर तो प्यास बिल्कुल नहीं लगी, अब एक बार महसूस हो रहा है कि हाँ यार प्यास लगी और पानी पी लूँ, फिर याद आ रहा है नहीं मुझे अब तो नहीं, मेरा तो व्रत है। ये व्रत व्रत तो सब अपने से आदमी नहीं रखता, ये सब भगवान की इच्छा से होता है, भगवान की आस्था पर निर्भर करता है। भगवान की आस्था में काफ़ी शक्ति होती है, भगवान की शक्ति तो होती ही है लेकिन अगर भगवान की आस्था है, भगवान की आस्था में काफ़ी शक्ति होती है। किसी काम को भी किसी भी अच्छी आस्था से करते हैं तो वो काम हमारा ज़रूर सफल होता है। खाने में मुझे ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है, मेरा तो व्रत है ही है, आपको पता ही है नीला जली व्रत है और इनका भी व्रत है, आज ये मंगलवार हैं तो बस तो खाने में बस बच्चे और अम्मा हैं तो उनके लिए कुछ बना देंगे कुछ का मतलब दाल मैंने थोड़ी सी रखी हुई है रोटी सेक कर और थोड़ी सी आलू का चोखा लगा देंगे। तो मतलब कहने का सेंस ये है कि ज़्यादा मुझे कुछ करना नहीं है, बस सारा काम ख़त्म करके थोड़ा सा बर्तन धुल के फिर जा रहे हैं कमरे में। अब ज़्यादा प्यास तो अभी तक नहीं लगी लेकिन ये है कि कुछ तो लगता है कि हाँ व्रत है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो यहाँ पर हम वीडियो का करते हैं एंड और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, राधे राधे।